ओम शांति। हम लोग जा रहे हैं रामेश्वर, तो हम परमात्मा को याद करके अभी निकल रहे हैं रामेश्वर जाने के लिए। तो ये हमारे दादा दादी हैं, तो उनके भी ब्लेसिंग लेकर हम सभी जा रहे हैं रामेश्वर। ये रामेश्वर ट्रिप के में हम आपको ये दिखाएंगे कि कौन सा रूट हमने लिया है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बड़ों से लेकर छोटे बच्चे तक की ये सारे फैमिली ट्रिप हैं हमारी, जहाँ बड़े भी हैं तो छोटे बच्चे भी हैं। तो सब आपको दिखाएंगे हम कि क्या आपको पैकिंग करना चाहिए, क्या ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कौन सा रूट है, कहाँ ठहरना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको ये ब्लॉग में दिखाएंगे। तो हाँ, सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम जब जाते हैं तो परमात्मा को याद करके निकलें। तो सामान हमने पूरा लोड कर लिया है, पॉसिबल हो तो कैरियर के ऊपर जो टायर जैसे हमने रखा है वैसे रख देना है, क्योंकि वो टायर के अंदर बहुत सारे जूते आपके आ जाएंगे और टायर की जगह पे बहुत सारे कपड़े आप रख सकते हो। हमने भी ऐसे ही किया है, तो आप देख सकते हो। टायर हमने इसलिए रखा है कि बहुत सारी जगह पे आप बैग नीचे डालोगे, रखोगे, ये बहुत ये होगा। ऊपर टायर के ऊपर जो बैग रखी है हमने, उसके अंदर बहुत सारे हमने जूते भरे हैं। ये हमारी कुलदेवी माता का टेंपल है, जहां हम दर्शन के लिए आए हैं। जिसके दर्शन के लिए हम अभी हम लंच के लिए पहुँचे हैं भरूच के एक रेस्टोरेंट में। वहाँ बैठ के हमने लंच किया। लंच हम घर से ही कैरी करके आए थे, लंच और डिनर दोनों ही हम साथ में लेकर आए थे। तो यहाँ बैठ के हमने अच्छे से ये लंच किया था। लंच में मम्मी ने श्रीखंड बनाया था, परोठे, सब्जी, अचार, छाछ, ये सब लेकर हमने अच्छे से लंच किया।
आज के दिन का जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी होने वाला था। फर्स्ट डे में ट्रैवलिंग कुछ बढ़ने वाला था, तो आप भी अगर पहले दिन का पॉसिबल है तो साथ में कैरी करके ले जा सकते हो, या होटल कोई अच्छी है, जैसे कि यहाँ हम बैठे थे वहाँ भी खाना बहुत अच्छा था, तो वहाँ बाहर से भी खा सकते हो। बाद में हमने जूस पिया, गन्ने का जूस, पाइनएप्पल का जूस, वहाँ बीच में बैठकर हमने ये जूस भी लिया था क्योंकि गर्मी बहुत है। इसके बाद हम सापुतारा जा रहे हैं। सापुतारा में गिरा वाटरफॉल है, लेकिन वाटरफॉल में पानी नहीं था, तो हमने वहीं से यू टर्न ली। वहाँ सापुतारा में बहुत राइड्स भी है, लेकिन टाइम से पहुँचना है तो हमने राइड्स भी ये नहीं की थी, तो हम सीधे निकल गए अभी शिरडी के लिए। शिरडी पहुँच गए हैं, वहाँ एकोमोडेशन लेने के लिए हम सब वहाँ चले गए थे। तब तक हमने सामान कार से निकाल दिया। एकोमोडेशन के लिए लंबी लाइन थी, अगर आप जा रहे हो तो पहले से ही एकोमोडेशन ले लें। हम 2 घंटे वहाँ खड़े रहे एकोमोडेशन के लिए, फिर रूम पर जाकर हमने चाय पी, डिनर किया। बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। तो ये हमारा था फर्स्ट डे। ऐसे ही हम आपको 24 डे की जर्नी दिखाएंगे, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहें और ये रामेश्वर की ट्रिप हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और ये कुछ मैंगो फ्रूट्स और खाना जो भी था हमारे पास कैरी करके आए थे, उसको हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सी यू सून।